हाय फ्रेंड, कुकसम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम फूल आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए लिया हमने फूल गोभी और काट लिया, काट के गर्म पानी में डाल दिया था। अब हमने इसको निकाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, गैस हमने ऑन कर दी है, अब हम हमारी कढ़ाई गर्म, अब इसमें तेल डालते हैं। तेल को हम गरम होने देते हैं। अब हम अपनी फूल गोभी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, अभी थोड़ी देर और इसे तलेंगे। देखिए इसका कलर बदला है, थोड़ा और ब्राउन होने देते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड, फूल गोभी हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी तेल में हम डालते हैं तेज पत्ता, दालचीनी, काली इलायची, बड़ी और लौंग। ये डाला हमने कड़ी पत्ता। और डाला हमने जीरा। ये हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला। एकदम हमारी सब्जी ढाबा में जैसे बनती है वैसे ही बनेगी, एक ढाबा स्टाइल। ये डाला हमने ओनियन। ये डाला हमने प्याज। ये डाल दी हमने हरी मिर्च कटी हुई। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हम डालेंगे टमाटर पिसा हुआ। तो इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। ये डाला हमने गरम मसाला।
ये थोड़ा पानी ऐड किया हमने। तो देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भुनते भुनते इसमें तेल ऊपर आ जाएगा। ये जब तेल भुनते भुनते मसाला ऊपर आ जाए तो समझो कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड अब हम इसमें फूलगोभी डाल देते हैं। इसमें हमने गोभी का फूल डाला और अब हम इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिला लेंगे। और ये उबले हुए आलू, ये हमने काट लिए हैं उबले हुए आलू में, ये भी डाल देते हैं और इनको भी चलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप चाहें तो पानी डालें, आपकी इच्छा के अनुसार है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने दो प्याली पानी ऐड किया है और हम इसको ढक देंगे। तो फ्रेंड अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच बीच में चलाएंगे। तो फ्रेंड देखिए एक बार फिर चला देते हैं इसको। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। अभी 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। तो फ्रेंड देखिए सब्जी हमारी तैयार है। हम गैस को ऑफ करते हैं। और हम इसमें डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया। और इसको मिलाएंगे। और इसमें धनिया डालेंगे, धनिया डाल के डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड फूल आलू की सब्जी हमारी तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन अवश्य दबाएं क्योंकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।